पहन के लौड़े इंडिकेटर नहीं है क्या वो सड़ी के। हेलो गाइस, तो आज का दिन जो है वो कुछ ज़्यादा ही खास है समझ लो। आज हम लोग जा रहे हैं एक शूट करने एक सेट पे नहीं, मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कहोगे भाई हमें भी यहीं पे जाना है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर भोपाल क्षेत्र के अंदर आप लोग रहते हो तो वहाँ पे आप लोग सुकून से वेडिंग शूट वगैरह कर सकते हो। तो जिसकी जानकारी आपको रूट लास्ट में बताऊँगा रूट भी, और अगर जो जानता है तो वो तो पहुँच ही जाएगा वैसे वहाँ पे। तो अभी हम लोग घुस गए भोपाल की पुरानी सब्जी मंडी में, और यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा तरीके से रस होता है, इसलिए अब देखते हैं कि अपना कहाँ कहाँ से होता है जाना। अरे पेट्रोल लोन करना है भाऊ। निकल जाओ पाजी आप ही। और यहाँ पे हो रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़। अरे मैं सोचा बिना गाली के आज रिकॉर्ड करूँगा, तुमने माँ की यहाँ गाली 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 रे। हाँ ये बात भी सही है। और ये हमारे यहाँ का प्रधान वहाँ की यहाँ सुधरेगा नहीं साला। ये रोड कभी नहीं बनेगा साला, कितने ही रोड बन जाएंगे ये रोड मुझे लगता है कभी नहीं बनेगा ये। ओ भाई अभी अपन जहाँ जहाँ से जाएंगे वो पूरा रूट दिखाया जाएगा आपको। देखते क्या पुलिस वाले? हाँ अरे भाई वो तो सब जगह पर आ जाते हैं। हश तेरी तो हट। और अभी यहाँ पे हो रहा कर्रा वाले ट्रैफिक भाई, कसम मालिक की डेली शाम के टाइम पे यहाँ पे ऐसे ही रस होता है। जाकर देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचते हैं, अगर पहुँच गए टाइम पर तो सूट होगा, नहीं तो फिर वापस आएंगे। अंधेरे में तो सूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये चच्चा भांगड़ा न्यूडल मार मार के गाड़ी चला रहे हैं। लो शर्म नहीं आती न्यूडल मारने वालों को। इसकी बहन को नमन। और गाइस सिर दुखने लगता है यार कैमरा लगा लगा के। और क्यों माँ की यहाँ लपेट के मखमल में जूता मारते हो यार भाई? यार देखा ना भाई, नहीं नहीं मखमल में लपेट के जूता मारते हैं। और यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड पर जो है नहीं, हाँ लेफ्ट हैंड पर घोड़ा नक्का से यहाँ पे सारे कैमरे मिल जाएंगे। अभी हम लोग भी आए थे गोप्रो लेने के लिए। उड़ा नहीं देगा वो, अपने को उड़ा देगा, सब बल रखा हुआ है। मारो नहीं नहीं यूपी वालों से उलझने का नहीं। आंटी भाई अम्मा खिला पर रही है भैया आडो में बैठ के। और भाई आज ऐसी भीड़ रहने वाली क्योंकि आज धनतेरस है। अपनी गाड़ी के लिए सामने जो फुंदरू टंगे दिख रहा है ना, अपन बोलेंगे अपने ऑटो के लिए। किसको? वही तो कह रहा हूँ भाई, वो रेलवे वाले हैं, उनसे नहीं उलझ सकते तुम। सामने देख रहा हो दोस्तों गाड़ी को सजाने के लिए लड़ियाँ टंगी हुई हैं, ये लेंगे अपन अपनी गाड़ी के लिए अभी अभी या कल लेंगे, इनको अपनी गाड़ी में लगाएंगे। और अभी यहाँ से राइट मार के लेफ्ट मार के निकल जाएंगे अपन। ओहो आज धनतेरस के वजह से काफी रश है यहाँ पे।
ट्रेन के लौड़े दौड़े सरिया है वो, इस पे अपन को उड़ाना पड़ेगा वो, इस पे भाई कर रहे में साले सामने आ दे कहीं कहीं से भी निकल निकल के। तो गाइस ये आगे अपन छोला रोड वहाँ से निकल गया, बोलते तो अगर यहाँ पे ट्रैफिक मिला तो अपन कबाड़ खाने से गाड़ी को डाल देंगे, वरना छोले से तो अपन जा ही रहे। और अभी रास्ते में अपन जलाते हुए चलेंगे सबकी बत्ती और यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा ये साले ऑटो वाले ऐसे ही कट मारते, बाइक वालों को तो ऐसे ही बदनाम करके रखा भाई, ये ऑटो वाले ज़्यादा तेज चलते हैं। भाई अभी गाड़ी का अपन आयल चेंज करवा कर आए, गाड़ी में पावर आ गई, गाड़ी आगे से उठ रही है गाड़ी में आ गया फुल पावर मगर डर भी लगता है भाई उजगने में ऐसे में। और यहाँ पे फिर हमें मिल गया ट्रैफिक का, इस वीडियो होने वाला काफ़ी लंबा तो इसको अपन आपको पोस्ट कर करके दिखाएंगे रास्ते भर, जरा ये ट्रैफिक से निकल जाए इसके बाद आपको मिलेंगे सीधे पॉइंट पे हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो डालूंगा जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ तक का तो फिर आप लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, अंकल गरीब को छोड़ दो। हाइट तेरी तो भाई तो भाई ये जो था पहले उनने साले साइड दे दिया पूरी गाड़ी दबा दी, उसके बाद जब मैंने गाड़ी भगाई बस वाले ने तो गाड़ी दबा रहा था मेरी, वो ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं क्या करें। अगर ब्रेकर पे स्पीड से कभी भी अगर ऐसा गड्ढा या छोटा मोटा तो इस पर गाड़ी को उचका दो तो ज़्यादा सेफ्टी रहती है। तो अगला पहिया अगर गड्ढे में गया और आपने बाई चांस अगर ब्रेक मार दी तो गाड़ी का ब्रेक सस्पेंस लॉन्च क्या कहते हैं लॉक हो जाएंगे, गाड़ी के सस्पेंस लॉक हो जाएंगे और गाड़ी पीछे से उठ के पलट जाएगी हमेशा, इतना याद रखना। तो उस पर ज़्यादा से ये रहेगा कि गाड़ी को आप दोनों हाथों से पकड़ो और फर्स्ट गियर पर डाल के उचका दो वहाँ पर। कौन सा डेढ़ पसली भाई, भाई के देखो डेढ़ पसली भाई के, भाई देखो हवा में ऐसा लग रहा है उसमें हवा भर के उड़ जाएगी भाई, ये देखो। अरे नहीं यार भाई देखो राइडर है अपना ये देखो भाई 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 देख के भाई ऐसा लग रहा है कि जर्किन में जब हवा भरेगी तो उड़ जाएगी वो। इंडिकेटर नहीं है क्या वो सुड़ी के हाँ गाइंड हुआ वहाँ से चलते चलते भाई एकदम से गाड़ी पे टर्न मार रही है वो, ऐसे में फिर लोग बोलेंगे साले तुम्हारी गलती थी। हाँ मेरे पास सारे सबूत है भाई, इसलिए दो दो कैमरे हैं भाई, एक ये वाला भी, तुम पीछे से मुझे अगर छुरी मारते तो मैं बच जाऊँगा एक सामने भी फ्रंट पे भी है, पीछे उसका छक्का बैठा था वैसे मेरे को ऐसा लग रहा था लड़की थी मुझे छक्के जैसी लगी वो। पहले आप देख रहे हो दोस्तों लड़की कैसे भगा देती है सामने आती साथ, चल निकल लौड़े। हाँ यार। और दोस्तों यहाँ से जब जब निकलते हैं ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, शायद मुश्किल से 3 या 4 दिन बचे हुए हैं भोपाल के करोत के इलाके में। जब जब आओ तो ये हमेशा याद आता है, राइट हैंड पे आप लोग देखोगे खूनी फैक्ट्री हमारे इधर, जिसकी अभी रील आने वाली है बहुत जल्दी, इसकी कोई सी मूवी लॉन्च हो रही है राइट हैंड पे जो है खूनी फैक्ट्री। खूनी फैक्ट्री इसलिए बोलूँगा 1984 4 दिसंबर की रात की शायद जब यहाँ से जहरीली गैस रिलीज़ हुई थी इस फैक्ट्री से।
और पूरा भोपाल सोता का सोता रह गया था। इसके ऊपर फुल वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी या मैं भी डालने वाला हूँ थोड़े दिनों बाद। इसके अगर हो सका तो अंदर के जाके वीडियो बनाऊँगा मैं, और थोड़े दिनों बाद इसकी एक मूवी भी रिलीज़ हो रही है, पता नहीं किस पे हो रही है वो, मगर इसी पे ऊपर बनी हुई है जो यहाँ से थे चलते उस टाइम पे ड्राइवर थे रेलवे वगैरह थी उस पे। तो इसी फैक्ट्री के चक्कर में पूरा भोपाल सोता रह गया था। ये देखो मामू लोग यहाँ पे हमेशा चेकिंग पे रहते हैं और यहाँ का सिग्नल फिर बंद हो गया। ये बहन की यहाँ हमारे इधर की गवर्नमेंट ही ऐसी है, थोड़े दिनों का शोक रहता है बस सिग्नलों का, फिर वापस वही हाल। तो दोस्तों यहाँ तक वो फैक्ट्री फैली हुई है जिसके नीचे कहा जाता है कि आज भी जहरीली गैस मौजूद है। इसके अंदर का रिव्यू बहुत जल्दी बनाऊँगा, किसी को चाहिए हो तो बताना, अंदर की फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर मिली जाएगी, तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब मार देना। ये वो फैक्ट्री है दोस्तों, इसकी फैक्ट्री का वीडियो बनाना है उससे मैं आड़े में तुम्हारे मोबाइल से, वो दिख रही है आपको फैक्ट्री वहाँ से दिख रही होगी तो अगर कैमरे में। और ये उसी का गार्डन है, यहाँ पे सारे वर्क को इस प्रॉपर्टी को बैन कर दिया गया परमानेंटली के लिए, क्योंकि इसके नीचे जो पाइप है उसमें आज भी गैस मौजूद है जहरीली। ये सामान लोड करवाने के लिए आवाज़ दे रहा है बेचारा। ये फैक्ट्री जो आप लोगों को दिख रही है यही थी वो फैक्ट्री जिसने 1984 में पूरे भोपाल को तबाह कर दिया था। इसका मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा भाई, उधर फैक्ट्री का बनाना है इधर का नहीं बनाना है, तो मैं इधर का कहाँ बना रहा हूँ रोड का वीडियो। और ये ब्रिज भी चालू हो गया लगता है करोज चौराहे वाला, देखेंगे जाके क्या होती लाइन। तो अब मिलते हैं दोस्तों सीधे आपको पॉइंट पे, क्योंकि 10 या 11 मिनट का ये ब्लॉग हो चुका है लंबा और इसके बाद आप लोग मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा देर तक। तो रूट पे सीधे आपको रूट वहीं पर जाके बताऊंगा मैं, सीधा वाला रूट, और जो भोपाल के लोकल है उनको तो रूट पता ही होगा।